अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। एक बोल मैंने दही का लिया है, एक बोल मैंने पकौड़ियाँ ली हैं, भल्ले लिए हैं। ये इसकी रेसिपी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। एक बोल मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, इस साइज़ में मैंने काट लिए हैं। एक प्याली मैंने बॉयल चने लिए हैं, ग्रीन चटनी ली है। एक प्याली मैंने मेयोनीज लिया है, दो अदद खीरे काट लिए हैं, एक अदद टमाटर और दो अदद प्याज, चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। तो चलिए मिक्स करते हैं सब चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आलू डालूँगी, फिर हम इसमें चने मिक्स करेंगे, पकौड़ियाँ डालेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के क्रीमी दही भल्ले होते हैं, इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे ना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसमें खीरा ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, व्यूअर्स अब हमने जो दही लिया है, दही में हम मेयोनीज में को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, ठीक है जी। दही में हम डालेंगे मेयोनीज, ग्रीन चटनी, इसको दही को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब जो मेयोनीज मैंने लिया था वो ऐड करेंगे, अच्छे से बीट कर लेना है इन्हें। ये देखिए ये बीट हो गया, ये देखिए कितना प्यारा बीट हो गया। अब इसमें मैं धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, ये भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें ये मिक्स करेंगे, नमक जाएगा, चाट मसाला ऐड करेंगे, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, थोड़ा सा दही मैं रख लूँगी, बाद में जब हम इसको रेडी हो जाएगा ना, फिर बाद में मिक्स करेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितने कलरफुल दही भल्ले, इस तरह के आपने व्यूवर्स कभी नहीं खाए होंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, प्याज डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया, अब मैं इसके भल्ले रखूँगी। मैं इसको क्रीम के साथ गार्निश कर दूंगी, ऑल पर की मैंने क्रीम ली है, इसके साथ मैं इसको गार्निश कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही मज़े के दही, क्रीमी दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।